ओम ज्ञानतिम्रं धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ऐस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलंबित भुजौ कनिका बदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो से गुरुदेव की हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। अभी प्रभु जी साधु संघ की महिमा बता रहे थे, इसलिए भगवान कपिल देव को उनको माता देवती ने जब प्रश्न की, बोले बेटा मैं स्त्री जाति हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसलिए इधर उधर भागता रहता है मेरा मन, इसलिए मेरा कल्याण कैसे होगा है? जब उन्होंने प्रश्न की, भगवान केवल एक ही बात भगवान ने बताई, भगवान ये नहीं बताए मेरे मेरा संग करो। भगवान कहते हैं, बोले माँ अगर ये संसार समुद्र से पार होना चाहते हो केवल एक ही उपाय है, बोले वो क्या है, बोले केवल मेरे भक्तों का संग। कहते केवल मेरा भक्तों का ही संग करो, उसी से ही जीव का परम कल्याण होगा और किसी को दरा जीव का कोई कल्याण होने वाले नहीं। तब भगवान स्वयं साधु संघ की महिमा एक श्लोक को द्वारा साधु संघ की महिमा बताते हैं। बले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा ताज्वसन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिसति। हम कहते ना हर साधु संघ से क्या मिलता है, साधु संघ से क्या मिलता है, हर शास्त्र कहता है साधु संघ करो साधु संघ करो। तब यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं अपना भक्त संघ का महिमा बताते हैं। बोले मैया ये श्लोक में जो एक एक शब्द है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्दों को बढ़िया बढ़िया अर्थ बताते हैं। बोले किसकी संग करनी चाहिए, बोले सतांग, बोले सबका संग नहीं करनी चाहिए, बोले साधुओं का संग करनी चाहिए। बोले साधुओं का संग क्यों करेंगे, कारण क्या, बोले कारण है, कहते ना एक थियोरिकल और एक प्रैक्टिकल होता है दो तरह से। कहते ग्रंथ पढ़ने से क्या नहीं हो जाएगा हैं, हमारा घर में तो ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ लो, फिर साधु को पास में क्यों जाते हैं, बोले कारण है जो प्रैक्टिकल है ना ये साधु संग से होता है, प्रैक्टिकल साधु संघ से होता है। इसलिए नारद जी व्यास देव को जब बताए, बोले व्यास देव मैं अपना अनुभूति बात तेरे को बता रहा हूँ, इतने जल्दी मुझे जो भगवान मिले हैं 5 साल उम्र में, बोले कई समय पर 5 साल उम्र में ठाकुर जी मिले, बोले केवल एक ही कारण है, मैंने संतों का मैंने सेवा की और संतों का मैंने संग की और संतों का मैंने हरिकथा सुनी है। इसलिए जब संतों का संग करते हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में, बोले संतों का क्या प्रैक्टिकल रूप है, बोले ख्यांतिर अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो साधु है ना वो प्रैक्टिकल रूप में ही साधु है, ये प्रैक्टिकल रूप में हैं। जब एक साधु के साथ में रहेंगे उनको क्रिया कलाप हाव भाव को देखेंगे, बोले उनका क्या लक्षण है, बोले शांतिर पहला गुण उनके अंदर में
जीवन में भले ही जितने विपत्ति आ जाए, कभी भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम लोग क्या है, तब तक भजन करेंगे, भक्ति करेंगे जब तक संसार में सब कुछ बढ़िया है। अगर थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो ना, कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना, कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले अपना भजन छोड़ने के लिए तैयार। अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले अपना माला को छोड़ने के लिए तैयार, सबसे पहले तैयारी बैठते हैं। लेकिन लेकिन जब संतों का संग करेंगे, जैसे श्री युधिष्ठिर महाराज, कितने विपत्ति आए उनको जीवन में, हमारी बात ही छोड़ दो, भगवान की नित्य परिकर है। उनको ऊपर में जितने विपत्ति आई, हमारा ऊपर में कभी इतना विपत्ति आई। युधिष्ठिर महाराज का राज्य गया, भाई गया, बाद में भरी सभा में अपना पत्नी की विवस्त्र देखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक अज्ञातवास में युधिष्ठिर महाराज कंक बन करके विराट राज्य में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम रोसैया बना, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन बृहन्नला रूप में, और श्री श्री उनका जो दो भाई वो घोड़ाशाला में रहे। कभी हमारा जीवन ऐसे आया, घर बार छूट गया, बीवी चली गई और हमको इसे जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन इतने अवस्था में भी हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई हो गई, 22 बाजार में पिटाई हो गई। लास्ट में कहते हैं ठाकुर जी बड़े दयालु हुए, मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ गए। हाँ, इतने लास्ट में वो कहते हैं। इसलिए बोले क्षांतिर, क्षांतिर मतलब होता है जीवन में जितने विपत्ति आने पर भी हरिदास ठाकुर के ऊपर में जितने पिटाई हो रही थी, वो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते पहला गुण ये, दूसरा गुण क्या है, बोले अव्यर्थ कालतम, मतलब है वो कभी भी अपना समय को बेकार इधर उधर बात में कभी अपना जीवन को नहीं गमाते, बैठ करके गप्पे मार करके, उसको बेटा ने ऐसे की, उसकी बहू ने ऐसे की, उसको घर में ये हो रहा था, उसको ये हो रहा था, बैठ करके बेकार की जो फजल की जो बात है ना, उल्टा पुल्टा जो बात है, कभी हाँ अपना समय को भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत भजन छोड़ करके कभी भी अपना समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए कहते अभ्यर्थ कालतम, बोले विरक्ति, विरक्ति मतलब भक्ति में अनुराग है, प्रभु की भजन में तो अनुराग है, लेकिन भक्ति का जो इतर वस्तु है, भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु है, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट उनकी नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ पर, जा साधु संग, हरिकथा कीर्तन भजन है, वो सब चीज में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है ऐसे नहीं हरिकथा हो रही है, हरिकथा छोड़कर कहीं पार्टी में चले, कहीं घूमने के लिए चले गए। साधु संग हरिकथा हो रही है, हरिकथा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कहीं पार्टी, कहीं हाँ शादी विवाह, पहले पहले तैयारी बैठते हैं, कैसे साड़ी पहन करके जाएंगे, कैसे जूता, कैसे घड़ी, और सब मैचिंग का, हाँ पहले 1 महीना पहले से शादी में जाएंगे ना, पहले से ही कौन सा साड़ी पहन करके जाएंगे, कौन सा कपड़ा पहने, पहले उसको पूरा दिमाग में रख कर बैठते हैं। लेकिन साधु संग हरी कथा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बोले नहीं। वो जो भक्ति करने वाले हजार चीज को छोड़ करके कोशिश करेंगे, हमेशा सत्संग हरि कथा जहाँ भजन होता है ना, उनको वो चीज प्यारा लगता है, भक्तों के साथ में उनको साथ में बैठने के लिए अच्छे लगते हैं। दुनियादारी में क्या बात है, क्या दुनिया में क्या बात, इधर उधर के बिना बेकार की गप्पे मार करके समय बर्बाद करना और कुछ नहीं। इसलिए विरक्ति, बोले मान सुन्नता, हर समय सभी को जीवर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को दया करते हैं, सब जीव को ऊपर में कृपा करते हैं, लेकिन स्वयं कभी इज्जत की भूखे नहीं रहते हैं, सबको इज्जत देते हैं। आशा बंध, आशा मतलब भगवान कब मिलेंगे,
ठाकुर जी कब मिलेंगे, जरूर हमें ठाकुर मिलेंगे, उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास रहता है। समुद्र कंठा हर समय भगवत भजन में, भगवत भक्ति में हर समय उत्कंठा बनी रहती है। कब हरिनाम करेंगे, कब भजन करेंगे, कब भक्ति करेंगे, उसमें बड़ी उनकी उत्कंठा रहती है। अर नाम गाने सदा रुचि, भगवान के कीर्तन हरि कथा उनकी भजन में बड़ा रुचि, बड़ा अच्छा लगता है। आसक्ति तत् गुणाख्याने, कहीं अगर हरि कथा होता है, भजन होता है, कब कथा सुनेंगे, कब कथा सुनेंगे। मानव भगवान की कथा ही जिनका जीवन है, उनका जीवन ही भगवान की कथा जिनका जीवन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं क्यों साधु संग करनी चाहिए, बोले साधु संग जो है ना वो प्रैक्टिकल है। जब उनको साथ में रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, एक साधु का दर्शन करेंगे, 24 घंटा में 24 घंटा कैसे भजन भक्ति में कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, अपने आप हम भी कथन जैसे संग वैसे रहेंगे। एक जुआरी को साथ में बैठोगे जुआ खेलने लग जाओगे, एक भंगड़ी गंजड़ी को साथ में बैठोगे भंगड़ी गंजड़ी बन जाओगे, अगर किसी भक्तों को साथ में बैठोगे भक्त बन जाओगे। संग है ना, जैसे संग वैसे रंग गए। इसलिए भगवान कहते सतांग, बोले माँ क्या करोगे, बोले मेरे भक्तों का संग करना माँ। हाँ, इसलिए सतांग, बोले सतांग अगर ऐसे साधु को संग करो क्या होगा, बोले प्रसंगात। कहते इसमें जो एक एक शब्द है ना बड़े महत्वपूर्ण संग है, हैं? संग मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं साथ में गए बैठे खाए पिए और गए, नहीं। बोले प्रसंग, प्रसंग मतलब क्या है, साधु का संग मतलब क्या। गुरु जी उदाहरण देते थे, देखना जिनका बाल है ना उसमें एक कीड़ा रहता है, जो जू जू बाल में एक कीड़ा होता है। कहते साधुओं का जटा होता है ना, जटा में भी एक जू रहता है, तो क्या करता है उसका खून चूसता है, वो साधु का खून चूसता है, हैं? हाँ, वो सेकिंग ब्लड, वो खून चूसता है। क्या ऐसे ऐसे केवल संतों का संग मतलब उनका रक्त चूसना, बोले नहीं। संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन, वो जैसे भजन करते हैं, जैसे भक्ति करते हैं, जैसे हरि नाम करते हैं, जैसे प्रभु का प्रति प्रेम है, वो चीज को अपना जीवन में उतारना, उसको संग कहते हैं। केवल रहने पर संग नहीं होता है, हैं? जब तक उनका आचरण को अपना जीवन में नहीं उतारेंगे, बोले प्रसंगात। बोले कैसे, बोले मम वीर संविदो, बोले माँ वो जो कथा है ना बड़ा बलवान कथा है माँ। उदाहरण दिया मम वीर संविदो, वो कथा में बड़ा ताकत होता है, वो कथा में बड़ा ताकत होता है। इसलिए मैं पहले उदाहरण दिया था ना, इसलिए श्री जीव गोस्वामी इसको उदाहरण देते हैं। जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ वृक्ष होता है, डायरेक्ट वो वृक्ष से बीज को लेकर के बो दो और नहीं होगा, वो पेड़ नहीं होगा, हैं? जैसे पीपल पेड़ है, बरगद पेड़ है, डायरेक्ट वहां से बीज लो बो दो नहीं होगा। बोले कैसे होगा, बोले वो बीज को कोई चिड़िया खाए, फिर उसको पेट में वो बीज जाता है, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, वो ऐसे कुछ रस प्रदान करता है, जब वो चिड़िया उसको बीट करता है ना, पैखाना करता है, तब भी उसमें वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी किसी पीपल पेड़ को नीचे, किसी बरगद पेड़ को नीचे कभी भी वो पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे, किस छत के ऊपर, हाँ किस छत के ऊपर में देखोगे। आपका तो यहाँ पर बरगद पीपल पेड़ नहीं, आपका सूरीनाम में होगा, हाँ सूरीनाम होगा। कभी देखोगे किस छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर में, बोले वहाँ छत पेड़ में कहाँ गया बीज, कहते उसको कोई चिड़िया खाया, उसका पेट में गया, जब उसने बीट किया। आप देखना एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक पानी की जरूरत है, एक मिट्टी और हवा, ये तीन चीज वृक्ष के लिए जरूरत है, तभी वृक्ष होगा, नहीं तो पेड़ नहीं होगा। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखना, किसी छत के ऊपर में, पत्थर के ऊपर में आप देखना, वहां पर पीपल का पेड़ और वहां पर आप देख बरगद का पेड़ है, कभी वो पेड़ का पत्ता तोड़ दो देखना फेर हो जाता है वहां पर, और कभी कभी वो पेड़ इतने जोर जबरदस्ती होता है वो छत को तोड़ देता है, छत को फाड़ देता है पूरा दीवार को, हैं? इसलिए इसको उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसका मतलब है हम साधु से ही कथा क्यों सुने, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, हम अपने आप ये ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ ले, ये फिर साधु को पास में कथा सुनने के लिए क्यों जाए। भगवान स्वयं कहते, जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे
वो चिड़िया को पेट में वो बीज जाने पर उसमें शक्ति आ गई, उसी तरह जैसे ये पत्थर को ऊपर में भी वो वृक्ष हो गया, कहते उसी तरह हमारा जो हृदय ना पत्थर जैसे हो गया, हमारा हृदय जैसे पत्थर। इसलिए श्री हाँ कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री और श्री ये कहते हैं हाँ उसमें कहते हैं एक भजन गाते हैं, बोले भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। हाँ वो भजन में गाते हैं, बोले पशु पाखी झुरे पाषाण बीदरे सुनी जार गुन गाथा संसारे मजिया रही न पड़िया से पदे न हिल आस आपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचन दास। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले हे प्रभु मेरा हृदय तो पत्थर बन गया है, हृदय पत्थर हो गया है, बोले पत्थर हो गया मतलब गया, बोले तेरी कथा सुन कर भी हृदय मेरे द्रवीभूत नहीं हो रहा है, अगर पत्थर होता ना पिघल जाता महापुरुष कथा से कृष्ण कथा से पत्थर भी पिघल गया, लेकिन हमारे हृदय तो पत्थर हो गया। लेकिन ये हृदय पत्थर भी हृदय में भी अगर हम शुद्ध वैष्णव का हरि कथा सुने ना, जब किसी शुद्ध साधु से कथा सुनेंगे पत्थर रूपी हृदय में भी वो कृष्ण भक्ति की संचार हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ मम बीर्ज संविदौ, वो जो कथा है बड़े बीर्जवती बड़े बलवान कथा माँ होती हैं। बोले कथा सुनने से क्या होगा, उन्होंने उदाहरण दिया हृत कर्ण रसायन, कथा को उन्होंने उदाहरण दिया है रसायन, नाम सुने है रसायन, रसायन एक मेडिसिन होता है, उसमें 10 तरह का मेडिसिन मिला करके ना वो एक मेडिसिन जो रसायन पान करोगे शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, शरीर में बड़ी ताकत देता है, हृष्ट पुष्ट शरीर बीमारी खत्म, शरीर में बड़ी ताकत देता है, उसको कहते रसायन है, वो एक दवा है हाँ रसायन। इसलिए यहाँ पर बोले माँ वो जो कथा है ना हृदय और कान ये दोनों को रस देने वाले हाँ, हृदय और रस और कान को जो कथा सुनेगा ना उसका हार्ट अटैक नहीं होगा उसका हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि भगवान की जो कथा है ना कहती है बड़ा बलवान है, हृदय को बड़ा मजबूत बनाएगा और कान को भी बड़ा मजबूत बनाएगा। इसलिए कहते हृदय और कान को माँ ये बड़े आनंद देने वाले कथा है, बड़े रसयुक्त कथा है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले तुंडे तांडविन वितवित नुते तुंडा बलि लब्धे कर्णा क्रडो कडबिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जानि जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णदय। रूप गोस्वामी कहते जो कृष्ण राधे इसमें कितने रस है, इसमें कितने रस कृष्ण कथा में कृष्ण नाम में कितने रस हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं इतने सुंदर कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी दो कान दे दिए, अरे पूरा शरीर में कान ही कान हो जाता तभी तो आनंद होता है। बोले कर्ण करोड़ो कडमिनी करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया कथा सुनने के लिए, एक जिहा क्यों दे दिया। बोले तुंडे तांडविनी वितनुते तुंडा बलि लब्धे, कहते हैं जब कृष्ण नाम जिह्वा में उदय होता है शंकर जैसे तांडव नृत्य करते हैं पागल होकर के जिह्वा में ही, ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए हृत कर्ण रसायन कथा अगर कथा सुनेंगे तो क्या, बोले ताजु आसु अप वर्ग वर्तमनी, जब ये कथा सुनेंगे ना आंसू मतलब जल्दी जल्दी, जब शुद्ध भक्तों से कथा सुनोगे वो कथा बड़ा बलवान कथा है बड़ी जल्दी जल्दी क्या होगा, बोले प वर्ग वर्तमनी, जो प वर्ग है बोले प वर्ग मतलब बोले प फ ब भ और म ये प वर्ग है,
कचड़ थप खचड़ थप, ये हिंदी भाषा में गजड़ थप, ये प वर्ग है। बोले माँ ये प वर्ग है ना, मैं सब खत्म हो जाएगी। प वर्ग में पहला किया, बोले प मतलब परिश्रम, तुम्हारी जो परिश्रम है वो सारे परिश्रम खत्म हो जाएगी, तुम्हारी परिश्रम नहीं रहेगा। बोले परिश्रम नहीं रहेगा, हम संसार में इतना परिश्रम करते हैं। फ मतलब फेंड, फेंड मतलब देखना कभी कभी काम इतने करते हैं, इतने काम करते हैं ना, फेंड मतलब होता है झांक, कभी कभी मुंह से झांक निकल जाती है, झांक समझते ना, फेंड फोम निकल जाती है, मुंह में इतने परिश्रम करते हैं, हैं इतने परिश्रम कभी कभी संसार में करते हैं। लेकिन जब एक भक्त, एक साधारण संसार एक व्यक्ति करता है, भक्त भी परिश्रम करता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्त का परिश्रम और आम व्यक्ति का परिश्रम बराबर नहीं। देखो भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवता परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशय विद्या दुख, प्रभुए आत्म निवेदन तू आपद करी है नो परम सुखी। दुख दूरे गला चिंता ना रहिला चौदिगे आनंद देखी, प्रभुए आत्म निवेदन तू आपद करी है नो परम सुखी। हाँ देखो भक्तमन ठाकुर क्या कहते हैं, क्या देखो एक साधारण व्यक्ति को देखो वो भी सारा दिन काम करता है, और एक भक्त को देखो वो भी सारा दिन काम करता है, दोनों देखने के लिए ना दोनों ही दिन भर काम करते हैं, एक भक्त भी परिश्रम करता है और साधारण व्यक्ति। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद और ब्रह्मा कहते हैं, बोले प्रभु कब तक ये संसार माया है, बोले तब तक माया जीव तब जब तक तेरे शरण में नहीं आता है, तेरे शरण में आ जाने संसार माया नहीं, ये कृष्ण रे संसार, ये भगवान की संसार। ये भक्त जो परिश्रम करता है दिन भर काम करता है पैसा कमाता, भावना किया बोले पैसा क्यों कमा रहे हैं, बोले ठाकुर को सेवा की, पैसा के बगैर लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा हैं। और उनका भक्तों का जो घर, घर नहीं, भक्तों का घर क्या है, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाई प्रसाद सेवा करते आए सकल प्रपंच जय। इसलिए भक्तों का घर नहीं, भक्तों का घर तो वृंदावन है, भक्तों का घर वृंदावन है, इसलिए उनका जो परिश्रम भक्तों का ना वो परिश्रम बर्बाद नहीं। देखो इस जगत में जब एक पति पत्नी के लिए जो कोई काम करे, पत्नी खुश हो जाती ना, उसके लिए कोई साड़ी ला दो, कोई गहना ला दो, बढ़िया चीज ला दो, तो पत्नी खुश हो जाती कि नहीं, खुश हो जाती ना, जब कोई पति पत्नी के लिए कुछ करे, नहीं तो पत्नी पति के लिए पत्नी कुछ करे खुश हो जाती कि नहीं, खुश हो जाती है। लेकिन एक भक्त जब दिन भर परिश्रम करके पैसा कमाता है और उसी पैसा से सब्जी चावल और फल फूल ला करके जब ठाकुर जी को सेवा में देते, ठाकुर क्या नहीं देख रहे हैं, वो ठाकुर क्या देख नहीं रहे, ठाकुर सब कुछ देख रहे हैं, देखो दिन भर कितने परिश्रम मेरे लिए करता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते माँ जब तुम सत्संग करोगे ना, सत्संग से फिर तुम अपना लिए नहीं करोगे, जो कुछ करोगे भगवान के लिए करोगे, जब भगवान के लिए करोगे तब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तुमको सारे खुश ठाकुर दे देंगे, सारे तुम्हारे परिश्रम साथ के लिए, प प मतलब परिश्रम। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं तुम्हारे सेवाए दुख है जत, बोले प्रभु तेरे सेवा में जो दुख वो दुख नहीं, वो क्या, बोले परम सुख है, परम सुख का कारण, क्यों भगवान देख रहे तुम्हारी परिश्रम, जो भगवान के लिए तुम परिश्रम करते हो ठाकुर तुम्हारे सारे परिश्रम को देख रहे हैं, हैं? इसलिए प फ बोले ब, बोले ब मतलब बोले व्यर्थता, यूजलेस। लेकिन जब हम दुनिया के लिए करें वो सब व्यर्थता, सब बेकार है, क्योंकि दुनिया तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है, दुनिया में किसको तुम खुश नहीं कर सकते हो, किसको खुश कर सके, सारा जीवन बीवी की सेवा पति की सेवा करके अभी कभी किसी को खुश कर पाए, आप पूछो किसको, पति को पूछो, पत्नी को पूछो, बच्चे को खुश कर पाए, जिंदगी भर उनके लिए करो, अगर थोड़ी सी इधर उधर कुछ हो गया ना झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, वो देखेगा नहीं जिंदगी भर तुमने किया, वो झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया है,
हैं, और फिर जिंदगी भर कभी कभी शादी करते हुए लास्ट में डाइवोर्स भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पति पत्नी को, पति पत्नी को छोड़ देते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं फिर हैं। इसलिए ये दुनिया में किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कृष्ण कैसे है? बोले ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं, उनके लिए इतने करना, तुम्हारे लिए वो इतने ही करने वाले हैं, इतने करने वाले। सुदामा दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर राजमहल दे दिया। द्रौपदी क्या दी? द्रौपदी ठाकुर का अंगुल कट गया, थोड़ी बैंडेज कर दी कपड़े की ढेर ठाकुर लगा दिए। कृष्ण सोच रहे थे द्रौपदी मेरे लिए जो कपड़ा को फाड़ करके बैंडेज की है, ठाकुर जी देख रहे थे कब समय आए उसकी ऋणी को मैं चुकाऊंगा। ठाकुर जी सोच रहे थे मेरे को थोड़ा कब समय मिले, उसने जो मेरे लिए की ना उसको मैं ऋणी कब मैं चुकाऊं। ठाकुर जी देख रहे थे, लेकिन समय मिल गया तो ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। इसलिए बोले ब मतलब होता है व्यर्थता, कहते भगवान के लिए करोगे तुम्हारी व्यर्थता नहीं, तुम्हारी परिश्रम सार्थक हो जाएगा। और भ भ मतलब भय है, कहते भक्तों का कोई भय नहीं रहता है, कोई डर भय नहीं रहता है। क्यों? वो जानते हैं हम तो सब ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे किस चीज के भय है, हमारे ठाकुर जी है, हैं? उनकी कोई डर भय नहीं रहता। प्रहलाद को देखो, उसको मारने के लिए क्या किया उसने, कुछ कोई विचलित तो हुआ है। अंबरीश महाराज के ऊपर में दुर्वासा जी ने कृत्या को राक्षस को भेजा, अंबरीश महाराज थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं हुए, बस खड़े होकर ठाकुर को स्मरण कर रहे थे, राखे हरि तो मारे के, अगर हरि किसको रक्षा करता है कौन किसको बिगाड़ सकता है। बोले बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होई हैं, उसका के बाल भी बांका कोई नहीं कर सकते जो ठाकुर की शरण में आए, क्योंकि भगवान उसको हर समय ठाकुर जी उसको रक्षा करते, इसलिए कोई भय नहीं। इसलिए भा बोले माँ, बोले माँ मतलब होता है मृत्यु। बोले भक्त मरते नहीं, बोले मरते नहीं, देखा सारा दुनिया मर गई सब के सब, हमारे गुरुजी मर कर के चले। बोले नहीं, मरना किसे कहते हैं, मरना किसे कहते हैं, देखो उनका नाम अमर हो रहे ना, अभी हम गुरुजी कथा सुन रहे हैं, परम गुरुजी कथा सुन रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं उनकी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की पिताजी कथा कभी सुनते हो दुनिया में? अपना पिताजी के संसार का कोई बात किसको सुनता है, हैं? कोई नहीं सुनते, लेकिन हमारे गुरुजी कथा सुनते हैं। इसलिए कहते वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तब उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया, कहते जो दिखता है जो भक्त मरते हैं, बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्ली देखे हो यहाँ पर होता है कि नहीं? हाँ, आप देखना, बिल्ली जब बच्चा देता है ना, वो बच्चे देने पर बच्चे को मुंह में ऐसे पकड़ करके उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से 10 बार करेगा, इधर वहाँ से 10 बार करेगा। और बिल्ली जब अपना बच्चे को मुँह में पकड़ता है ना, जैसे माँ किसी बच्चे को जैसे गोद में ले, बच्चा कितना खुश होता है, भैया मेरे को गोद में ले रहे, कितने खुश होता है। लेकिन उसी मुँह में तो बिल्ली को पकड़ता है अपना बच्चे को, लेकिन उसी मुँह में जो चूहे को पकड़ता है जब उसी मुँह में चूहे को, फिर तो उसको प्राण ले लेती है। उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर, दिखता है भक्त भी मरते हैं, अभक्त भी मरते हैं, लेकिन ये भक्तों को जो मरना है उनको कौन ले जाते हैं? फिर ठाकुर ले जाते हैं, भगवान ले जाते हैं। बिल्ली एक मुंह से चूहा भी पकड़ती है और बच्चे को भी पकड़ती है। उसी तरह जब मृत्यु हम जब देखते हैं संतों का, भक्तों का जो मृत्यु, ऐसे नहीं, उनके लिए तो गोलोक वैकुंठ से रथ हंसता है, आनंद से प्रभु के पास में चले जाते। लेकिन साधारण व्यक्ति को जम डंडे मारते मारते, और भागवत में तृतीय स्कंध में वर्णना करते हैं, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं, हाँ, जो भजन नहीं करते हैं, गर्म रेतियों को पर में घिसड़ते घिसड़ ले जाते। सूरीनाम में कितने दिन के बाद में पवित्र होते हैं, कितने दिन बाद में? जो जैसे ना कोई घर में कोई जब मर जाए उसको शुद्धा क्रिया होता है ना, कितना दिन के बाद में वो लोग अपना शुद्धि क्रिया करते हैं? हाँ, 13 दिन, हाँ 13 दिन में होता है। हाँ, इसलिए इंडिया में भी 13 दिन ही है। बोले जानते हो क्यों 13 दिन में होता है? आप गरुड़ पुराण को पढ़ो, आपका देश में पता नहीं क्या करते हैं, कोई मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब वर्णना किया गया, मरने के बाद उसको एक नदी पार होना पड़ता है, वो नदी का नाम है बैतरणी नदी। और वो नदी में केवल टाटी, पैसा, खून और पीख, केवल यही होता है और कुछ नहीं होता, टाटी पेशाब खून। वो नदी को पार करने में उसको 13 दिन लग जाती है, उसको पार होने में 13 दिन लगता है, और पीठ के ऊपर कोड़े पड़ता है उसको, हैं?
पीठ के ऊपर चाबुक मारते मारते उसको पार करवाते हैं, बड़ा कष्टमय। इसलिए हमारे भारत में कभी कभी बोलते हैं गैया दान कर दो, उसको नाम पर गैया दान दे तो जल्दी जल्दी उसको गैया की पूछ पकड़ करके वो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। हाँ, भारत में कहते हैं गैया दान दे दो, इसलिए 13 दिन उसको लगता है उसको पार करने के लिए, बड़ी कष्ट है। फिर उसको बाद में 84 नरक में जैसे जैसे कर्म किया फिर उसको नरक भोगना पड़ता है, इसलिए 13 दिन लगता है। लेकिन ये किसके लिए? जो भजन नहीं करता है, जो हरि नाम नहीं करते, जिनके गला में कंठी तिलक माला भजन करते ना, उनके लिए से वो नहीं है। उनको इसे बैतरणी नदी पार करना नहीं पड़ता है, वो तो सीधा अपना कर्म के अनुरूप ठाकुर उसको कहीं भक्त घर में जन्म दे देंगे। हाँ, अगर बढ़िया भजन करेगा तो ठाकुर के पास में, अगर पूरा तुम्हारी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, ठाकुर जी उसको फिर अच्छे घर में अच्छे परिवार में उसको जन्म ले देते हैं, भक्त परिवार में। जन्म होते ही भगवान का नाम कीर्तन भक्ति प्रसाद वास, माँ के पेट से उसका भजन शुरू हो जाता है। भक्त घर में माँ के पेट से भजन शुरू होता है। देखो जैसे मैया के पेट में बच्चा है, अभी बच्चा प्रसाद पाता है, उसी खाना का तो बच्चे गर्भ में खाता है ना, तो बच्चा किसका खाना खाना क्या खा रहा है? ठाकुर प्रसाद। मैया जैसे तुलसी परिक्रमा करती हैं, हाँ, तुलसी परिक्रमा करती हैं, पेट में बच्चा वो क्या कर रहा है? तुलसी परिक्रमा उसको भी हो गई। मैया जैसे प्रणाम करती हैं ठाकुर जी को, उसको पेट में बच्चा है, जब मैया प्रणाम की बच्चा का क्या हो गया? ठाकुर जी को प्रणाम हो गया। हैं, इसलिए मैया हरि नाम करती हैं बैठी करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे माँ बैठ करके हरिनाम करती, बच्चे तो गर्भ में ना, वो भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो भी भजन कर रहा है पेट में। हाँ, इसलिए एक 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 भक्ति, हाँ, भक्ति करने वाले माँ की पेट में आना है ना, बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात। वो पेट से ही भजन करना शुरू करता है और जन्म होते ही राधे राधे हरे कृष्ण नाम सुनता है, भजन करता है, इसलिए भगवान उसको फिर भक्त घर में जन्म देते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं माँ आप वर्ग वर्तमनी, तुम्हारी सारे दुख कष्ट माँ खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रम सती। पहले जब साधु संग करोगे, जैसे हमारे विजय प्रभु जी कथा जैसे सेमिनार देता है, क्लास कर देता है, उसमें क्या होता है? भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान कथा सुन करके जब भक्तों को कथा से कथा सुनते हैं, पहले क्या होता है? भगवान का प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, पहले उसको प्रति श्रद्धा होता है, फिर वो इस श्रद्धा बढ़ते 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 सदगुरु आश्रय करता है, सदगुरु आश्रय करते करते आधो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन करना शुरू करेगा, फिर हृदय से अनर्थ दूर होगा, फिर भगवान के प्रति रुचि होगी, फिर भक्ति में निष्ठा हो जाएगी, फिर हृदय में प्रभु का प्रति भावना आएगी, पर हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भगवान कहते हैं माँ अगर तू मेरे भक्तों का संग करोगे तो धीरे 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 भगवान का प्रति श्रद्धा रति और भक्ति और एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए माँ केवल एक उपाय, और कोई उपाय नहीं माँ मेरे को पाने का, केवल तुम भक्तों का संग करो। इसलिए कबीर कहते हैं बोले संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, होए तेरो बड़ भागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए केवल संतों के साथ में ही, भक्तों के साथ में ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है, ठीक है ना? इसलिए क्या करनी चाहिए? संतों के साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कलयुग में भक्ति कैसे करेंगे? बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे पर।
कलयुग में और कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल भगवान का नाम से ही कल्याण होगा। इसलिए कितना टाइम हो गया समय, और 5 मिनट सुन लेगा। हरे कृष्णा, देखो एक बढ़िया श्लोक है, मन देख के सुनो। ये एकादश स्कंध में जब नेमी महाराज जब श्री नव जोगेंद्र को जो प्रश्न करते हैं, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए, सुख के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी शादी बच्चे, जो कुछ करते हैं केवल शांति के लिए, सुख के लिए तो कर रहे हैं ना, और तो कोई काम नहीं है, केवल सुख के लिए। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, जीवन में हम कैसे सुख में रह सकते हैं। लेकिन सब तो करते हैं सुख के लिए, लेकिन देखना सब उल्टा होता है, बच्चे देते हैं सुख के लिए, बाद में बच्चा बात नहीं सुनता है, हैं? इसलिए अब देखना संसार में जो कुछ काम करो ना सब उल्टा उल्टा होता है, जो कुछ काम करो जो सुख के लिए सब देखना सब उल्टा होता है, और सुख नहीं होकर दुख ही दुख मिलता है। ये जगत में जिसको जितना ज्यादा प्रेम करोगे देखना वहीं से ज्यादा दुख मिलेगा, जगत में जिस को आप जितना ज्यादा प्रेम करोगे देखना वहीं से ज्यादा तुम्हें वहीं से ज्यादा दुख मिलेगा, वहीं से ही दुख मिलेगा तुम्हें ज्यादा, क्योंकि संसार दुखालयम अशाश्वतम, संसार अनित्य है। इसलिए इन्होंने जब किया शांति कैसे मिलेगी, तो उसका उत्तर में श्री नव जोगेंद्र देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, कहते अगर पहले शांति पाना चाहते हो, बोले अशांति का कारण क्या, बोले अशांति का एक ही कारण है, तुम भगवान को भूल गए, यही केवल अशांति का मूल कारण है। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, केवल भगवान को तुमने भूल गए। फिर क्या करनी चाहिए हमें, बोले सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करो, आश्रय करते हुए जो कुछ हम करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत हमें लेने के लिए आते हैं, जो कुछ करते हैं काय मन वाक्य से करते हैं। इसलिए जो कुछ तुम करते हो अभी तुम दुनिया के लिए नहीं करके भगवान के लिए करो, सारे काम भगवान के लिए करो। भक्ति कोई कठिन चीज नहीं है, कोई बोलेगा अरे भक्ति तो बहुत कठिन, नहीं कठिन नहीं, भगवान नहीं करते तुम सब छोड़ दो, जो कुछ कर रहे हो करो है, लेकिन भगवान के लिए। बड़ी सुंदर खाना ठाकुर के लिए बनाओ, घर ठाकुर के लिए बनाओ, पैसा ठाकुर के लिए बनाओ, अपना भक्तों का जो टाटी पैसा वो भी भक्ति है, क्योंकि शरीर अपवित्र रहेगा तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे। कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, सब भगवान में जोड़ दो, सारे चीज ठाकुर में जोड़ दो, बस भक्ति हो जाएगी। इसलिए बोले उसको बाद में क्या करेंगे, बोले भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम करो। लेकिन तब तब एक ये श्लोक को बता रहे हैं, ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, बोले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उत्तय। इसमें कह रहे हैं जीवन में एक व्रत ले लो, बोले किस चीज के व्रत लो, बोले अपना जो प्रिय नाम है, कहते हमारा अपना प्रिय कौन सा नाम है, कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा प्रिय नाम है। कहते ये भगवान अपना प्रिय नाम को लो, लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या जानते हो, ये तो हमारा प्रिय नाम है, यही नाम है रुचि, लेकिन भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही, दूसरे चीज में हमारी रुचि हो रही, लेकिन प्रभु का नाम में रुचि नहीं। फिर क्या करनी चाहिए, क्या देखो जैसे मिश्री मीठा है, मिश्री खाए हो सबके सब, कौन कौन मिश्री खाए, सब खाए हो मिश्री, कड़वा ना मीठा है, मीठा है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं लेकिन ये मिश्री किसी किसी को कड़वा भी लगता है। बोले किसको लगेगा, बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, जिसको पीलिया की जंडिस का बीमारी हो जाए ना, उसको भगवान का मिश्री मीठा नहीं, उसको कड़वा लगता है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, बोले देख भैया मिश्री तो मीठा है लेकिन तेरे को मीठा नहीं तब कड़वा लगेगा। उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है, इससे मीठा और कुछ है ही नहीं, जगत में मीठा तो ठाकुर का नाम, लेकिन तेरे को अभी मीठा नहीं लगेगा, अभी तुमको कड़वा लगेगा। फिर क्या करनी चाहिए, बोले कड़वा लगने पर भी मिश्री को मुंह में रखो, रख कर उसको चूसते रहो, चूसते 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 धीरे धीरे तुम्हारी जो बीमारी कड़वापन जब खत्म हो जाएगी, फिर मिश्री इतने मिश्री मीठा लगेगा, फिर मिश्री को तुम छोड़ नहीं सकते। कहते भगवान का नाम मीठा, इससे मीठा कुछ नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, लेते 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 सारे अनर्थ जब दूर हो जाएगा, अविद्या पाप जब दूर हो जाएगा, फिर ठाकुर का नाम बड़ा मीठा लगने लग जाएगा। इसलिए स्वप्रिय ना जाता अनुराग, धीरे धीरे भगवान का नाम का प्रति अनुराग आएगा, तो अनुराग आएगा तो क्या होगा भगवान का नाम में, इसका फल क्या, द्रुत चीत उच्चई, फिर तो
तो तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा, भगवान का नाम लेते लेते आंखों से आंसू आना बहने लग जाएगा, हृदय तुम्हारे प्रेम में गदगद हो जाएगी। हाँ, भगवान नाम लेकर पुलकित तो होगा, कभी नाचोगे कभी गाओगे, हाँ भगवान का नाम लेकर के। फिर उसमें क्या हो, क्यों नाचेगा क्यों गाएगा, हंसत्या था, कभी कभी हंसने लग जाएगा, बोले हंसेगा क्यों, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, टीवी में सीरियल देखते हो, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में कृष्ण लीला की सीरियल तुम्हारे हृदय में देखने लग जाएगी, बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण लीला दिखेगा तुम। तभी सुना जाए उठा सुंदर कथा सुनाते हैं, बोले एक समय कन्हैया किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने गए। जब मक्खन चोरी करने गए, वो गोपी क्या की थी, वो पहले से ना छुप कर बैठी थी, मक्खन का मटकी रख करके पहले आज कन्हैया को मैं पकड़ कर बांध करके रखूंगी। जब कृष्ण आकर के मक्खन खा लिया ना, इतने में गोपी आकर कन्हैया को झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं है। बोले नहीं, तेरे को छोड़ने वाले नहीं, आ तेरे को बांधूंगी। बोले जो खंभे है ना, ये खंभे के ऊपर हाथ रख, और उन्हें अपना सर से जो रिबन होता है ना, सब फीता को निकाले, कृष्ण को हाथ में जो बांधने के लिए जाए, कृष्ण का हाथ तो बड़ा कोमल है, बड़ा कोमल कृष्ण का हाथ, जब बांधने के लिए जाए बंधने में नहीं खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई है कि नहीं, कभी जिंदगी में तुमने कभी बंधी गई थी। बोले नहीं। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंभे को ऊपर, अभी तेरे को सिखाता हूँ। कृष्ण ने क्या किया, उसको एक बार लपटे, दो बार लपटे, एक गांठ दो गांठ अच्छे तरह से गुण गांठ लगा दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, इतने बच्चे होकर कैसे बांधने सीख गया। बोले अरे तेरे को किया, मैं तो बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपना प्रेम से उनको भी बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी मैंने तो कभी अभी तक तो किसी को खोलना सिखाई नहीं, मैं तो सबको अभी तक तो सबको अपना प्रेम में बांधना ही सीखा, मैं तो अभी तक तो किसी को खोला खोलना सीखा नहीं। बस कृष्ण अंगूठा दिखा न तो ग्यारह हो गया। जब वो हृदय में प्रभु को ये लीला देखता है ना, बस देख करके हा 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 करते करते हंसने लग जाते हैं। एक दिन और एक दिन एक गोपी, बोले ये कन्हैया को तो ये किसी तरह से पकड़ में नहीं आता, इसको पकड़ करके पिता माता को लेकर दिखाऊंगा, उसको मैया को मैं दिखाऊंगी, मैया मानती नहीं कृष्ण मक्खन चोरी करता है। और गोपी पकड़ लिया, पकड़ कर बोले चल मैया को पास में, तेरी मैया मानती नहीं। बोले मेरे मैया को पास में मत ले जा, आज छोड़ दे, कल से तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। बोले नहीं, मैया मानती नहीं, मेरे लाला किसी किसी घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मैया को मैं रंगे हाथों से दिखवाऊंगी। बोले चल। अभी कृष्ण को पकड़ करके ले आए, लाए तो देखा नंद बाबा घर को सामने बैठे हुए, पहले जो होते ना वो नंद बाबा लगते थे जेठ, अपना पति का बड़े भाई। अब पता होगा पहले पति के बड़े भाई को सामने कोई नहीं जाती थी, नहीं जाते, उसको जेठ मानते, उसको सामने कोई नहीं जाते थे। जब उन्होंने देखा नंद बाबा बैठे हुए, बोले यार स्त्रियों का बात, इतने में नंद बाबा को देख करके ना कृष्ण को सर पर कपड़ा ढक दिया, ढकते ही कृष्ण तो बदल गए, वो तो भगवान है, वो झट उसका बेचा बेटा बन गए। और उन्हें दूसरे रास्ता से पीछे गली से लेकर के पीछे दरवाजा से लाई, मैया जसोदा को बुलाई, बोले मैया जसोदे तू मानती नहीं, तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है, रंगे हाथों से पकड़ करके लाई। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलंग के ऊपर में ना थपथप लगा करके सुला रही थी, हाँ कृष्ण को सुला रही थी। मैया बोली किसको पकड़ करके लाई, मेरे लाला तो घर में सो रहा है। इतने में मैया बाहर आई निकल करके, देखा अपना बेटे को पकड़ कर लाए। बोले क्या बात है। बोले तू मानती नहीं, तेरे बेटे को पकड़ करके लाए। बोले तू क्या पागल हो गई, मेरा बेटा अंदर में सो रहा है, वो तो इतना घूंघट निकाल कर रखी थी। जब वो बच्चे को ऊपर से कपड़ा खोले ना, वो देखा अपना बेटा, वो अपना बेटा कृष्ण अंदर में सो रहे थे। इतने में कृष्ण अपना आंखों को मसलते मसलते कृष्ण फिर उधर से आए। जब उधर से आए, कृष्ण ने कहा मैया तुमने देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती, मैं घर छोड़कर कभी बाहर जाता ही नहीं, अरे मेरे नाम पर उल्टा पुल्टा ये बोलती रहती है। इतने में मैया तो को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तेरे को शर्म नहीं लगता, अपना बेटे को पकड़ करके लाई। बोले मेरे बेटे को पकड़ कर लाई। बोले ये तो दरवाजा तक ये था, कपड़े में ढकते ही बदल गया कैसे। इतने में वो बड़ा शर्मिंदा हो गया, शर्मा गई। जब वापस जा रही थी ना,
कृष्णा दूसरे रास्ता से घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी, मैंने कितने तेरे पाप पड़ा, तेरे को मनाया, छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा। देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया, भविष्य में और पकड़ करके लाओगे ना तेरे पति को चोर बना दे। कृष्ण गोपी कृष्ण बोले हाँ, वो गोपी कहती है कन्या मैं हार गई, तू जीत गया है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब हम हरि नाम करेंगे ना, जब भगवान के नाम करेंगे, जब हृदय का सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, हृदय में भगवान की टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं ना, ऐसे कृष्ण लीला दिखी। इसलिए हसत्यत, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता, बोले रोता है क्यों? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण दर्शन में इतने आनंद, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में, पृथ्वी में कहीं भी इतना आनंद नहीं। पृथ्वी का सारे आनंद को एकत्रित कर दो, कृष्ण दर्शन में इतने आनंद है एक समुद्र जैसे। कहते समुद्र का एक बूंद को साथ में विश्व ब्रह्मांड का आनंद को भी एकत्रित नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु। कृष्ण प्रेमानंद में इतने आनंद करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में। कृष्ण दर्शन कर गया तो आनंद हो गया, लेकिन कृष्ण जब कभी कभी हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं, जब चले जाते हैं इतने दुख होता है, इतने दुख होता है, रोने लग जाता है कृष्ण विरह में, प्रभु आप कहाँ चले गए, आप प्रभु कहाँ चले गए, रोदत कभी रोने लग जाते हैं। लेकिन जब ज्यादा रोने लग जाते हैं कृष्ण विरह में प्राण त्याग करेंगे, बोले नृत्यति, कभी कभी नाचने लग जाता है। बोले क्यों नाचता है? उदाहरण दिया, जैसे आपको बैंक में 100 करोड़ की रुपया की ईरो था, 100 करोड़ रुपया की ईरो, आपको पता चला हमारे सारे ईरो बैंक खत्म हो गया, हमारी सारे बैंक फेल हो गया, क्या करो, रोगे ना, रोगे, दुखी हो जाएगा, हमारा सारी गया। अगर फिर पता चले गया नहीं हमें मिल जाएगा, हाँ हमारे गया नहीं मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाओगे। कहते उसी तरह कृष्ण जब देखते हैं ये मेरे विरह में प्राण त्याग दे देगा, फिर कृष्ण फिर दर्शन दे देते हैं। जब कृष्ण दर्शन देते हैं फिर तो हाथ उठा उठा करके फिर नाचना शुरू कर देता, अरे मेरे को कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए। बोले नृत्यति, उसी समय उसका कोई लोक लाज नहीं रहता है, बस हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।